इन योर चैप्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या होता है देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेज थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऐसा ट्रांसफर होना हीट का ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेज ये कहाँ होता है कहाँ होता है ये कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेज में होता है जिसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का उसे कहा जाता है कन्वेक्शन कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेज बट नॉट इन सॉलिड एज द मॉलिक्यूल्स इन दिस आर एबल टू मूव मोर इजिली दैन दोज इन सॉलिड कन्वेक्शन क्या होता है लिक्विड और गैसेज में होता है और सॉलिड में नहीं होता क्यों नहीं होता सॉलिक्विड तो में एज द मोलिक्यूल्स इन दिस आर मूव एबल टू मूव मोर इजिलीली दैन इन दोज इन सॉलिड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं तो उनके मूवमेंट हमें एकदम शो नहीं होता है बट लिक्विड और गैसेस में क्या है मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है जिसकी वजह से वो इजीली हमें शो हो जाता है तो इसीलिए कहा गया स्टार्टिंग में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अ लिक्विड और अ गैस व्हेन हीटेड एक्सपांस एंड बिकम लाइटर जैसे लिक्विड या गैस को अगर गर्म करेंगे आप तो वो एक्सपांड होते हैं और वह हल्के हो जाते हैं और लेस डेंसर बिकॉज द सेम मैटर इज स्प्रेड आउट इन लार्ज वॉल्यूम और वो डेंसर डेंसिटी भी उनकी कम हो जाती है क्यों क्योंकि क्यों? वो ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं वो ठीक है स्प्रेड इन लार्ज अमाउंट सो वेन अ लिक्विड सच एज वाटर इज हीटेड द हॉट वाटर एक्सपांड एंड राइज राइज एज इट इज़ लाइटर दैन द कूलर वाटर अराउंड इट अब जैसे ही पानी आप गर्म करने रखते हैं तो हॉट वाटर जो जाता, जाता, होता है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है एक्सपांड हो जाता है और वो राइज होता है ऊपर की तरफ राइज होता है क्यों राइज होता है क्योंकि वो हल्का होता है दैन द कूलर वाटर अराउंड इट कूलर जो ठंडा पानी है आस पास से उससे वो हल्का होता है तो इसलिए वो राइज अप होता है कूलर वाटर दैन मूव डाउनवर्ड टू द स्पेस ऑफ द वार्म वाटर और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जाता है तो वो वार्म वाटर की प्लेस ले जाता है ठीक है This process continues setting up सर्कुलेशन स्टीम्स स्ट्रीम्स ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द वेसल इससे क्या होता है कंटीन्यूस प्रोसेस बन जाती है ठंडा पानी गर्म पानी ऊपर जाता जा, ठंडा पानी नहीं चाहता गर्म पानी ऊपर जाता ठंडा पानी नहीं चाहता हमें पता नहीं चलता वो बट वो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट और ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है कन्वेक्शन ऑफ करंट कहलाता है कन्वेक्शन करंट रिजल्ट इन हीटिंग अप ऑफ द होल वाटर इन द वेजल इससे क्या होता है कन्वेक्शन से मतलब ये रहता है कि पूरा जितना पानी है वो सभी गर्म होगा ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला पानी गर्म है और ऊपर वाला ठंडा पानी होगा नहीं पानी गर्म होगा तो पूरा ही पानी गर्म होगा वरना नहीं होगा अब ये एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी हम स्कूल में ज़रूर करेंगे ये एक्टिविटी इसके अंदर क्या चाहिए आपको इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का आप वो देखेंगे कैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं जो ऊपर स्टार्टिंग में बताया ना आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स में जो होता है ठंडा वाला पानी नीचे आता है गर्म पानी ऊपर आता है वो आपको इस एक्सपेरिमेंट में ईजिली पता चल जाएगा इसके अंदर क्या लगेगा आपको बीकर वाटर पोटेशियम पर क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म का पोटेशियम पर लगेगा बर्नर ट्राईपोर्ट स्टैंड एंड वायर गॉल्स ठीक है ये सारी चीजें हमारे स्कूल में अवेलेबल है हम यह करेंगे पानी भरेंगे और उसको बीकर को बर्नर के ऊपर रख देंगे ठीक है और उसके अंदर एक ड्रॉप डालेंगे क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर और देखेंगे आप उसको लाइट लाइट द बर्नर एंड हीट द वाटर जेंटली ऑन अ लो फ्लेम और उसको कम आँच के ऊपर उसे हम थोड़ी देर गर्म करेंगे अब हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा एक पिंक कलर निकलेगा पोटेशियम पर का वो पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद वो अपने आप ही नीचे आएगा आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद वो नीचे आने लगेगा तो ऊपर जाना वो राइज हुआ नीचे आया मतलब पानी जो है वो अब गर्म पानी ठंडा पानी जो है वो अब गर्म पानी की स्पेस ले रहा है तो इससे क्या होगा ये आपको मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बताएगा तो ये आपको कन्विक्शन बताएगा किस में वाटर के अंदर कैसे होता है ठीक है पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं वो ऊपर से फिर वापस नीचे आ रहा है ठीक है तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट अब आते हैं आपका सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इसके बारे में आपने पढ़ा है फोर्थ क्लास में पढ़ा है सिक्सथ में पढ़ा था ठीक है में, फोर्थ क्लास में तो पढ़ाई पढ़ाई है हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया फोर्थ फिफ्थ में फिफ्थ क्लास में पढ़ाई है तो सी ब्रीज देखते हैं हम क्या होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, एन एग्जाम्पल ऑफ कन्विशन इन गैसेज इज द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज़ में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं वो एक एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का दीज आर कॉज्ड बाय द अनईक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द डे वैन द लैंड हीट्स अ फास्टर दैन द सी इससे क्या होता है इसमें ये कब होता है जब अन इक्वल हीटिंग होती है लैंड और सी के ड्यूरिंग डे दिन के टाइम पर जब लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी जो है वो गर्म नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द डे द एयर अबाउ द लैंड गेट्स वार्म बाय सनलाइट एंड अपवर्ड दिन के टाइम पर जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो क्या हो जाती है गर्म हो जाती है और वो ऊपर चले जाती है ठीक है राइजेज अपवर्ड्स मीन वाइल सिंस वाटर टेक्स लॉन्गर टू हीट द एयर अबाउ द सी इस कूलर और जो सी का पानी है पानी है वो तो पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लैंड तो वहाँ का जो ऊपर की जो उसकी हवा होती है वो क्या होती है ठंडी होती है दिस कूलर एयर फ्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर दैट हैज राइजन और अब जो ठंडा जो ठंडी सीम है या जो ठंडी हवा है वो क्या करती है लैंड की तरफ आना शुरू हो जाती है इससे वो भी गर्म होकर फिर वो भी ऊपर चली जाती है दिस ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर्म्स द सी ब्रीज जब ब्रीज सी से लैंड की तरफ जा रही है मतलब ठंडी ब्रीज, गर्म ब्रीज की तरफ जा रही है तो उसे कहा जाता है सी ब्रीज, ठीक है लैंड ब्रीज होता है रात में एट नाइट द लैंड मच फास्टर देन द सी अब रात के अंदर क्या होता है रात में क्या होता है लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी सी इतना ठंडा नहीं हो पाता जल्दी देयर फॉर द एयर अबाव द सी इज वार्मर अब जो एयर जो सी के ऊपर की जो एयर है वो गर्म होती है तो अब वो वाली पोजिशन आ जाती वापस उल्टी तरफ आ जाती कि सी कूल cool जो ब्रीज है वो इधर आने लग जाती वार्म एयर की तरफ और वो ऊपर चले जाती राइज अप हो जाए ठीक है लैंड की जो ब्रीज जो अब देर दिस एयर अबाउ द सी देयर फोर एंड कूलर्स एयर अबाउट द लैंड फ्लोज इट इन टू टेक द प्लेस अब वहाँ की जो ठंडी हवा है वो इधर आती सी की तरफ और वो गर्म उसकी प्लेस ले जाती है और गर्म जो है उधर चले जाती है दिस ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी एट नाइट फॉर्म्स द लैंड ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या हुई जो रात में होगी फ्रॉम लैंड टू द सी लैंड से सी की तरफ जब जा रही है तो उसे कहा जाता है लैंड ब्रिज और जो सी से लैंड की तरफ आ रही है ड्यूरिंग डे टाइम उसे कहा जाता है सी ब्रिज ठीक है तो ये था आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन कन्वेक्शन के एप्लीकेशन क्या हैं वो देखते हैं एन एयर कंडीशनर इज इंस्टॉल्ड हाई अप ऑन द वॉल रूम सो दैट इट कूल्स द वार्म एयर दैट राइज The कूल्ड air then comes down, setting up a convection current that cools the room. Air conditioner कभी आपने देखा कि ज़मीन में नीचे लगा होता है ए कभी नहीं होता हमेशा बिल्कुल छत के पास लगाया जाता है ए ताकि जो वहाँ पर जो गर्म हवा है वो वो ठंडी हो फौरन और वो ठंडी होकर नीचे जाए नीचे जाएगी तो अपने आप ही वो ठंडी गर्म हवा की जगह ले लेगी ले नीचे वाली जगह एयर की जगह ली उसने और वो हमारा रूम को ठंडा कर देती और रूम हीटर इज़ यूजली इंस्टॉल्ड एट द लेवल ऑफ द ग्राउंड द कूल एयर नियर द ग्राउंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस और जो हीटर होते हैं वो हमेशा नीचे लगाए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे लगाए जाते हैं ताकि जो वहाँ की ठंडी हवा है वो जल्दी गर्म होकर वो ऊपर जाए और ऊपर जाएगी तो वो हमारे रूम को गर्म कर देगी इन टर्न द कोल्ड एयर नियर द सीलिंग रशेज डाउन टू फिल द एंड स्पेसेस और इसके अलावा क्या होता है जब ठंडी हवा होती है जो सीलिंग में से आ रही है वो अपनी जगह फटाफट वो जगह फिल करना स्टार्ट कर देती दिस कंटिन्यूड मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर सेटअप up a करंट current, thereby इफेक्टिवली हीटिंग द एंटायर रूम ठंडी हवा आ रही वो गर्म हो रही फिर ठंडी हवा गर्म हो रही गर्म होती गर्म होते गर्म हो, गर्म गर्म हवा हो जाती है पूरे कमरे में और इससे हमारा कमरा गर्म हो जाता है ठीक है तो ऐसी ऐसी में भी यही सिस्टम होता है ए जब लगाए जाते हैं इसलिए ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वहाँ जो गर्म हवा है वो ठंडी होकर नीचे जाए और जो सीलिंग में से हवा आ रही है वो भी वहाँ से ठंडी होकर नीचे जाती नीचे जाती तो हमारे रूम को ठंडा कर देती है हॉट एयर एंड स्मोक दैट राइजेज ओवर अ गैस स्टोव वाइल कुकिंग इन द किचन आर रिमूव थ्रू द चिमनी देट इज़ इंस्टॉल्ड अबाउ द स्टोव अब जो है हॉट एयर है या स्मोक है जो चिमनी में जो किचन में से निकलती कुकिंग करते समय टाइम पर तो वहाँ पर चिमनी इंस्टॉल की जाती है ताकि वो ईजिली उसमें से पास होकर चले जाए कूलर एयर दैन इंटर्स द किचन थ्रू डोर्स एंड विंडोज़ और कूलर एयर जो है बंद किचन बंद करके तो बनाते ही नहीं खाना दरवाजे खिड़की खुले ही होते हैं तो वो क्या होता है वहाँ से ठंडी हवा आती है डोर और एयर डोर और विंडोज से ठंडी हवा आती है और जो गर्म हवा वो चिमनीज के थ्रू बाहर चले जाती है एग्जॉस्ट फैन इन किचन एंड बाथरूम्स ऑल्सो लेट आउट वार्म और स्टेल एयर सो दैट कूल फ्रेश एयर कैन एंटर द रूम और ऐसे ही एग्जॉस्ट फैन का भी सिस्टम ये होता है एग्जॉस्ट फैन जब घूमते हैं तो वो भी गर्म हवा को बाहर ले जाते हैं और ठंडी हवा जो है वो अपने आप दूसरे वे से अंदर आती रहती है वेंटिलेटर्स आर यूजुअली बिल्ट इन टू द वॉल हाई अप इन अ रूम टू लेट आउट वार्म एयर और जो वेंटिलेटर्स भी हैं कभी भी वेंटिलेटर्स नीचे नहीं लगाया जाता हमेशा वेंटिलेटर्स ऊपर लगते हैं ताकि वहाँ से गर्म हवा इजीली बाहर चली जाए ठीक है ये था आपके एप्लीकेशन थे कन्वेक्शन के अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेडिएशन रेडिएशन देखें हम क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होना हीट का विदाउट एनी मीडियम बीच में कोई भी मीडियम नहीं है किसी की हेल्प के थ्रू नहीं हो रहा उसे कहा जाता है रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्विक्शन बोथ नीड्स अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट टू टेक प्लेस कंडक्शन और कन्विक्शन में मीडियम की जरूरत होती है तो ही ये ट्रांसफर होती है और रेडिएशन में हमें मीडियम की नीड नहीं होती है. हाउ एवर रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम एंड कैन टेक प्लेस इवन इन वैक्यूम और ये रेडिएशन जो है वो खाली जगह पर मतलब वैक्यूम में भी चल सकती वहाँ एयर की भी नीड नहीं जहाँ एयर नहीं होती उसे वैक्यूम कहा जाता है तो वहाँ पर सिर्फ अगर एयर भी होगी या नहीं भी होगी तो भी वो मीडियम मीडियम uh, नहीं होगा वहाँ पर तो भी रेडिएशंस हो जाती हैं हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हो जाता है द सन्स हीट रीचेज़ अर्थ बाय रेडिएशन थ्रू द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस और जो सन की हीट है जो हमारे अर्थ तक आती है वो रेडिएशन्स के थ्रू ही आती है क्योंकि हमारे सन और अर्थ के बीच में तो स्पेस है ठीक है आउटर स्पेस जो है वो वैक्यूम है वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ से हीट्रांसफर हो रही है ट्रांसफर हो रही मतलब बीच में वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो भी सन की हीट हमें फ़ील अर्थ पर होती तो मतलब क्या हुआ है रेडिएशन्स बिना मीडियम के भी अर्थ की हीट जो है वो ईज़िली हमारी अर्थ जो सन की हीट है वो हमारी अर्थ पर आ रही है ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स सॉलिड लिक्विड गैस रेडिएट हीट कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई सा भी स्टेट में हो वो हीट को हीट की रेडिएशन उसमें होती हैं रेडिएट करते ही हैं हीट को सो अ रूम हीटर वॉर्म द एयर इट बाय कन्विक्शन एंड ऑल्सो गिव्स ऑफ हीट बाय रेडिएशन जो रूम हीटर होता है वो कन्विक्शन से भी रूम को गर्म कर देता है और साथ ही में गिव ऑफ हीट बाय रेडिएशन रेडिएशन से भी वो हीट को हीट uh, जो है वो रेडिएशन के थ्रू भी निकलती है अ पैन ऑफ वार्म वाटर कूल्स डाउन बाय गिविंग आउट हीट बाय रेडिएशन और जो पैन है गर्म पानी का पैन है वो अपने आप ठंडा कैसे हो जाता है रेडिएशंस की वजह से ही वो ठंडा तो हो जाता है गिविंग आउट हीट वो हीट बाहर एटमोसफियर में देते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है और बॉडी ऑल्सो रेडिएट हीट इन टू द सराउंडिंग और हमारी बॉडी भी जो है वो हीट को रेडिएट करती है सराउंडिंग ठीक है वेन अ हीट दैट इज़ हीट ट्रांसफर्ड बाई रेडिएशन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ द हीट इज ऑब्बॉर्ब एंड द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड रेडियंट हीट क्या है ऐसी हीट है जब हीट ट्रांसफर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है तो एक पार्ट जो हीट का होता है वो सो ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट दैट आर ब्लैक और डार्क इन कलर ऑब्जॉर्ब मोर हीट देन दे रिफ्लेक्ट एंड सो वार्म अप फास्टर अब जो ऑब्जेक्ट अगर कोई डार्क कलर का है या ब्लैक कलर का है तो वो ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करता है इससे क्या होता है दे रिफ्लेक्ट तो वो ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट वो हीट एंड देन दे रिफ्लेक्ट और बाद में वो रिफ्लेक्ट करते हैं सो वार्म अप फास्टर इससे क्या होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ऑब्जेक्ट दैट आर वाइट और लाइट इन कलर टेंड टू रिफ्लेक्ट मोर हीट देन दे ऑब्जॉर्व सो दे डो नॉट वार्म अप एज क्विकली एज ब्लैक ऑब्जेक्ट और जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो इतना आबजॉर्ब नहीं करते जितना वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से वो, वो गर्म नहीं होता है एज कम्पेयर टू दी ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट देट इज़ वाई वी प्रिफर वियरिंग ब्लैक और डार्क कलर इन विंटर एंड लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर इसी लिए गर्मियों में हम हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ठीक है इस वजह से ही रेडिएशन की वजह से ताकि वो ईजिली हीट जो है वह आब्जॉर्ब कम हीट ऑब्जॉर्ब होती है तो हमें गर्मी कम लगती है ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब होगी तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है ठीक है अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस रेडिएशन के एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर एज दे रिफ्लेक्ट मोर हीट फ्रॉम सन लाइट देन दे अब्जॉर्ब इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहने सबसे पहले तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर में ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करें देन ऑब्जॉर्ब अगर ऑब्जॉर्ब कर लेंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी और रिफ्लेक्ट करेंगे तो गर्मी कम लगेगी ठीक है दिस कीप्स अस कूल इससे हम Uh, जो है हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है वी वी आर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एज दे अब्जॉर्व मोर हीट फ्राम सन लाइट एंड हेल्प अस एंड हेल्प टू कीप एस वार्म और हम स्वेटर्स जो होते हैं मोस्टली हमारे डार्क कलर के होते हैं क्यों होते हैं ताकि वो हीट को ऑब्जॉर्व करें सर्दियों में तो हमें हीट की ज़रूरत है तो वो हीट ऑब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स आर ऑफन पेंटेड और इन लाइट कलर जो हमारी घर की दीवार वॉल्स होती हैं या फिर स्पेशली रूफ जो पार्ट होता है उसको हमेशा लाइट कलर में पेंट किया जाता है दिस कीप्स द रूफ एंड वॉल कूल ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट कलर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट वाइट कलर अगर होता है तो दीवारें जो हैं वो गर्म नहीं होती हैं वो क्या करती हैं वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं हीट को ऑब्जॉर्ब कम करती हैं इस वजह से वाइट या लाइट कलर हम करवाते हैं घरों में सोलर हीटर्स यूज रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वाटर जो सोलर हीटर्स हैं वो भी रेडिएंट हीट को यूज़ करते हैं किस किस सन की ताकि उससे खाना इजीली बना पाएं और या फिर पानी को गर्म कर पाए ठीक है तो ये थे एप्लीकेशंस आपके रेडिएशन के अब आपको कुछ यहाँ पर डिफ्रेंसेस दिए गए हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से ठीक है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तो आपको तीनों का एक बार में ही समझ आ जाएगा अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक वर्किंग ऑफ थर्मोफ्लास्क ये जो थर्मोफ्लास्क होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं थर्मोफ्लास्क मतलब जो आपके थर्मस आते हैं ना वो कैसे वर्क करते हैं अ थर्मोफ्लास्क थर्मोज फ्लास्क इज़ यूज टू स्टोर अ सब्सटेंस एंड मेन्टेन इट्स टेम्परेचर सच देट इट रिमेन्स आयदर हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम थर्मोज फ्लास्क क्या होते हैं मतलब जो थर्मोस होते हैं वो हमारे वो ऐसी चीज़ें जो कि किसी सब्सटेंस को अगर स्टोर करके रखते हैं तो उसका टेम्परेचर तो मेनटेन करके रखता है या तो अगर उसके अंदर गर्म चीज़ रखी तो वो गर्म रहे लॉन्ग टाइम तक ठंडी रखी तो ठंडी रहे वो लंबे टाइम तक अ थर्मोस फ्लास्क ऑफ अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील ये जो तो थर्मोफ्लास्क इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो ये होता है डबल वॉल्ड होता है मतलब उसकी दो वॉल होती है या तो ग्लास की होगी वॉल्स या फिर वो स्टेनलेस स्टील की होगी बोथ द वॉल्स आर पॉलिश सो दे आर शाइनिंग और दोनों ही वॉल्स जो है पॉलिश रहती है इस वजह से वो शाइन भी करता है दे प्रिवेंट हीट लॉस थ्रू रेडिएशन बाई रिफ्लेक्शन बाई रिफ्लेक्टिंग एनी रेडिएटेड हीट बैक इन टू द फ्लास्क अब अंदर ग्लास लगा हुआ होता है तो क्या करता है वो हीट को ऑब्जॉर्ब तो करता ही नहीं वो सिर्फ हीट को रिफ्लेक्ट करता रहता है तो अंदर की चीज़ जो है वो गर्म ही रहती है ठीक है द स्पेस बिटवीन द वॉल इज अ व वैक्यूम और स्पेस जो है बीच की दो वॉल से बीच की स्पेस क्या है वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर भी रेडिएशन तो पहुँच ही जाती है दिस प्रिवेंट हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन एज देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स टू कैरी आउट द ट्रांसफर ऑफ हीट अब जब बीच में जो जगह है वो खाली है वहाँ पर एयर भी नहीं है तो हीट का ट्रांसफर करने के लिए एयर तो चाहिए कन्वेक्शन करने के लिए अब जब कन्वेक्शन होता ही नहीं है तो हीट ट्रांसफर होती नहीं ट्रांसफर होती नहीं तो अंदर का सबसे जो है वो गर्म का गर्म ही रहता है द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज क्लोज विद आइदर कॉर्क और प्लास्टिक कैप जो माउथ है अंदर का या तो उसको कॉर्क से बंद किया जाता है या फिर प्लास्टिक कैप लगाई जाती है द ग्लास बॉटल इज प्लेसड इन अ मेटल और प्लास्टिक आउटर केसिंग दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन और जो ग्लास की बॉटल है उसे या तो मेटल या प्लास्टिक की आउटर कवरिंग के अंदर रखा जाता है ताकि जो हीट लॉस है वो ना हो थ्रू कंडक्शन कंडक्शन भी होता नहीं हीट पास ही नहीं होती तो कंडक्शन होगा नहीं तो चीज़ जो अंदर की गर्म ही रहती कॉर्क एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल सपोर्ट द ग्लास बॉटल विथ इन द केसिंग और जो कॉर्क होती है या फिर कोई दूसरा मटेरियल जिसको हमने बंद किया है बॉटल को वो क्या करता है केसिंग के अंदर सपोर्ट करके रखता है ताकि अंदर की चीज़ में कोई नुकसान ना हो द सब्सटेंस विद इन द फ्लास्क दस मेंटेन इट्स टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम इससे क्या होता है जो तो सब्सटेंस है फ्लास्क के अंदर वो उसका टेम्परेचर जो है वो मैंटेन ही रहता है इस वजह से थर्मस के अंदर चीज़ जैसी रखी है वैसी ही रहती है लंबे टाइम तक ठीक है तो दैट्स ऑल इन द चैप्टर यह आपका चैप्टर है पूरा अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट है सबसे पहले है तो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के डिफरेंसेस हैं उसके बाद आपको कन्वर्जन uh, ज़रूर आना चाहिए जो डिग्रीज हैं तीनों डिग्रीज़ के कन्वर्जन के आपको फार्मूलेज दिए हुए हैं हैंल्शियस स्केल टू फेरनाइट स्केल फेरानाइट स्केल टू सेल्शियस स्केल और सेल्शियस स्केल टू कैलविन स्केल तीनों के फार्मूलेज दिए हैं उनके कम से कम नहीं नहीं भी तो पाँच पाँच सोल्यूशनस तो आपको करना ही है ठीक है थैंक यू सो मच